हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू अ न्यू डीआईवाई वीडियो। तो हमारा आज का डीआईवाई है प्लांटर्स यूजिंग वेस्ट प्लास्टिक बॉटल्स। तो आज हम तीन डिफरेंट टाइप्स के प्लांटर बनाएंगे प्लास्टिक बॉटल को रीयूज करके। फर्स्ट हम बनाएंगे ये पोल्का डॉट्स वाले क्यूट प्लांटर्स, और सेकंड है हमारा ये वॉल हैंगिंग प्लांटर जो आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, और थर्ड है ये रेलिंग प्लांटर। तो चलिए देखते हैं इसे बनाना कैसे। तो हमारे फर्स्ट प्लांटर के लिए मैंने इस तरीके का बॉटल लिया है, और उसे मिडिल से कट करके हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, और दोनों पोर्शन को हम प्लांटर के लिए यूज करेंगे, और वो कैसे वो आप आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमने एक पेस्ट रेडी किया है, उसमें सिरेमिक पाउडर, ग्लू एंड वाटर मिक्स किया है। इस पेस्ट को हम बॉटल के ऊपर अप्लाई करेंगे। ऐसा करने से जो हमारा पेंट है उसे एक अच्छा बेस मिल जाएगा, और साथ ही साथ हमारा बॉटल भी थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, और अब हम लेंगे बॉटल का ऊपर वाला पोर्शन। तो इसको प्लांटर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसका जो ये कैप वाला पार्ट है इसे रिमूव कर लेंगे, और नेक्स्ट हम लेंगे मॉल्डेड क्ले। तो क्ले को फ्लैट करके और ये जो ओपन वाला पोर्शन है उसमें हम क्ले को स्टिक कर लेंगे ग्लू की हेल्प से। तो क्ले को इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेंगे, और ड्राई होने के बाद मैं एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए एक लेयर क्ले का और ऐड कर रही हूँ, और हमने मिडिल में ड्रेनेज के लिए होल भी कर लिया है। क्ले के कम्प्लीटली ड्राई होने पे आप ये होल नहीं कर पाएंगे, इसलिए जब क्ले हाफ ड्राई हो तब आपको ये होल करना है। तो हमारे प्लांटर रेडी है, अब हमें इसे बस कलर करना है। तो मैंने एक्रिलिक कलर यूज किया है, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी तरीके का कलर यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर कुछ पोल्का डॉट्स बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने मार्कर लिया है, और उसके बैक साइड की हेल्प से हम डॉट्स बनाएंगे। एंड दैट्स इट। तो हमारे सारे प्लांटर्स रेडी हैं, और जो बॉटल का बॉटम पार्ट का हमने प्लांटर बनाया था उसमें हमने ड्रेनेज होल नहीं किया था, तो किसी भी शार्प सीजर या नाइफ की हेल्प से हम होल बना लेंगे। और नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांटर का कलर लंबा समय तक चले, तो आपको इसके ऊपर वर्निश अप्लाई करना चाहिए। वर्निश करने से आपका कलर कभी भी खराब नहीं होगा, और साथ ही अच्छी फिनिशिंग और साइन आएगी। तो अब मैं इसमें कुछ सैकलेंट्स प्लांट कर रही हूँ। आप कोई भी प्लांट जिसकी जड़ें ज्यादा नीचे तक नहीं जाती है इस प्लांटर में लगा सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट प्लांटर आइडिया, आई होप आपको पसंद आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। एंड नेक्स्ट हम बनाएंगे रेलिंग प्लांटर। तो उसके लिए मैंने ये जो बड़ी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल होती है उसे लिया है, और उसे हमें कुछ इस तरीके से कट करना है कि हम उसे मिडिल से फोल्ड कर सके। और जो हमने पहले पेस्ट रेडी किया था, अगर आप वो पेस्ट रेडी नहीं करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल बेस कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एशियन पेंट का प्रीमियम इमल्शन व्हाइट बेस कलर अप्लाई कर रही हूँ, और उसके ऊपर से मैंने येलो एक्रेलिक कलर अप्लाई किया है। कलर आप हमेशा अपनी चॉइस का अप्लाई कर सकते हैं, मेरे पास जो इजिली अवेलेबल होता है मैं वो अप्लाई कर देती हूँ। और उसके बाद मैंने ब्लैक एक्रेलिक कलर से थोड़े से डिजाइन बना लिए हैं। एंड दैट्स इट। तो ये हमारा प्लांटर रेडी है। ड्रेनेज के लिए हमने कुछ होल कर लिया है दोनों साइड्स पे, और अब हम इसमें प्लांट लगाएंगे। और मैंने इसमें ये 9 एम्स के प्लांट लगाए हैं, इसमें येलो फ्लावर आते हैं, और इसकी कटिंग बहुत ही इजिली ग्रो करती है। अगर आप कुछ इजी टू ग्रो प्लांट रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड दैट्स इट। तो ये हमारा रेलिंग प्लांटर रेडी है। मैंने प्लान नहीं किया था, बट कोइंसिडेंटली मेरी रेलिंग भी ब्लैक कलर की ही है, तो उसकी वजह से ये और भी खूबसूरत दिख रहा है। आपको ये रेलिंग प्लांटर का आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्लांटर की तरफ। तो उसके लिए मैंने जो फर्स्ट प्लांटर के लिए बॉटल ली थी अगेन सेम बॉटल ली है, और उसको मिडिल से इस तरीके से कट कर लेना है। और सेम पेस्ट जो हमने सिरेमिक पाउडर से रेडी किया था उसे अप्लाई कर लेंगे, या फिर आप चाहे तो बेस कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर दोनों ही अप्लाई किया है। पेस्ट अप्लाई करने के बाद मैंने व्हाइट बेस कलर अप्लाई कर लिया है, और अब हम कुछ फ्री हैंड लीफ पेंटिंग करेंगे।
मैंने जब इसे पेंट करना स्टार्ट किया था तो मैंने नहीं सोचा था कि कंप्लीट होने के बाद ये इतना खूबसूरत दिखेगा, बट ये बनने के बाद बहुत ही प्यारा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इसमें कोई प्लांट लगा हो और उसके लीफ बाहर की तरफ आ रहे हो। व्हाट डू यू थिंक? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। एंड ये क्योंकि एक हैंगिंग प्लांटर है तो रोप को अटैच करने के लिए हमें इसमें कुछ होल्स करने होंगे। तो फर्स्ट बॉटल में हमने टोटल 8 होल्स कर लिए हैं एंड सेकेंड बॉटल में 4 होल्स। तो जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ कुछ इस तरीके से आपको इसमें से रोप को अटैच कर लेना है। एंड्स पे नॉट लगाकर सिक्योर कर लेंगे और दूसरे साइड्स पे भी इसी तरीके से रोप को अटैच कर लेंगे। एंड दैट्स इट। तो ये हमारा हैंगिंग प्लांटर रेडी है। ड्रेनेज के लिए हम कुछ होल्स कर लेंगे और इसमें हम स्पाइडर प्लांट प्लांट करेंगे। स्पाइडर प्लांट को ग्रो करना बहुत ही इजी है। स्पाइडर प्लांट में बहुत सारे बेबी प्लांट्स आते हैं, जस्ट उसको कट करके आप कहीं पे भी लगा दें, वो इजिली ग्रो कर जाता है। एंड दैट्स इट। तो ये हमारा हैंगिंग वॉल प्लांटर रेडी है। आपको ये कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें। तो ये थे हमारे कुछ इजी एंड यूनिक प्लास्टिक बॉटल प्लांटर आइडियाज। आई एम श्योर आपको जरूर पसंद आए होंगे। इन तीनों में से आपको सबसे ज्यादा कौन सा पसंद आया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई रियली होप कि आपको पसंद आया हो। अपना फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और अगर आप आज के वीडियो से या पहले के किसी भी वीडियो से इंस्पायर होकर कुछ भी रिक्रिएट करते हैं तो प्लीज मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर करें। मेरा इंस्टा हैंडल है चाइनीज DIY डेकोर। एंड आई नो कि आप सब फेस्टिव DIY वीडियोस का वेट कर रहे हैं। फेस्टिव DIY वीडियोस भी जल्द ही आएंगे, सो स्टे कनेक्टेड फॉर दैट। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे जल्द ही एक नए DIY आइडिया के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।